आप में से कितने लोग हैं अभी तक जिन्हें डर लगता है बोलते हुए स्टेज पे आके? आधे लोगों को अभी तक डर लगता है, ठीक है। इसके लिए पहला स्टेप है दोस्त अहबाब के सामने मश्क। बड़ी दिलचस्प बात है, यहां बैठ के इस तरह से ग्रुप में बैठ के बात करना, मैं इधर बंदे बैठ के साथ मेरे आप बैठे में इस तरह बात करना बहुत आसान है, और इसी बात को यूं खड़ा होकर करना बहुत मुश्किल है। और इसी बात को जब आप यहां पर खड़ा होकर करते हैं आप बिल्कुल मरकज निगाह बन जाते हैं, यहां पर फिर टांगे कांपती हैं। मैं कल बता रहा था हम स्पीकर मुकर्रर ट्रेनर इस रोस्ट्रम को क्रेजी बॉक्स कहते हैं, क्रेजी CRAZY क्रेजी बॉक्स। और ये क्रेजी बॉक्स इसलिए कहते हैं कि ये इसलिए बनाया गया था कि ये मुकर्रर की कांपती हुई टांगों को छुपा सके। अगर आप लोगों को इसके पीछे खड़ा होकर बोलता हुआ देखें आपको चंद बड़े मजे के तजुर्बात होंगे, मैं दिखाता हूँ। अगर तो मुझे मना किया गया है कि लाइट के सामने रहे पर कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ जाऊँ। यहाँ पे बोल रहे हैं और डाइस क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था आपको ये करना चाहिए, अभी डाइस की भागा जा रहा है, डाइस को तो छोड़ दो। उन्होंने डाइस का सहारा लिया हुआ है लाशौरी तौर पर, माइक पकड़ा होता है, हाँ तो मैं ये कह रहा हूं, वो माइक फिक्स है भाई, माइक क्यों पकड़ के बैठे हुए हो? ये क्यों किया हुआ भला? उन्होंने सहारा लिया हुआ, उन्होंने सहारा। तो ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कांपती हुई टांगे जो है वो छुपाई जा सके, इसका सहारा लिया जा सके। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने स्पेशली अपने मुआविनीन से रिक्वेस्ट की कि मुझे कार्डलेस माइक चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब मैं इसके पीछे खड़ा होकर बोलूंगा तो मैं अपने जिस्म के 2 फुट से मुखातिब होऊंगा आपसे, मैं जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से मैसेज कन्वे करूंगा वो 2 फुट का होगा। अब मैं आपके सामने 6.5 फुट का मैसेज कन्वे कर रहा हूं। इंसानी जहन इंफॉर्मेशन को तस्वीरों की सूरत में स्टोर करता है और तस्वीरों की सूरत में प्रोसेस करता है। ये अगले दिन मतलब लेक्चर में ये बातें आएंगी। तो जितनी बड़ी तस्वीर बनेगी उतना ज्यादा असर होगा। तो जब मैंने तस्वीर छोटी कर दी वहां जाके असर भी छोटा हो गया।